शिवा मेरे एडवेंचरस एपिसोड देखो जियो सिनेमा पर, वो भी फ्री में। Respected principals, teachers and students, inter-school cycling championship में आप सबका स्वागत है। इस रेस के ऑब्जर्वर होंगे इंस्पेक्टर लड्डू सिंह। रेस बंदर घाट, पिकअप वैली और हैंगिंग ब्रिज से होते हुए यही खत्म होगी। ओह वो देखिए, पिछले दो साल के चैंपियन आ रहे हैं, मंत्री शयाजी साहब के बेटे और वीनस इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी। लेकिन उनको इस बार हमारे ही वेदास स्कूल के एक स्टूडेंट से कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। आ रहे हैं वेदास स्कूल के शिवा। सुना है वो शिवा बहुत अच्छी साइकिल चलाता है, उसे हराना नामुमकिन है। वो रूफ टॉप्स पर भी साइकिल चलाता है। ऑल द बेस्ट रॉकी, देखना तुम ही जीतोगे। लेकिन पापा वो लड़का शिवा है ना, सुना है वो बहुत अच्छी साइकिल चलाता है, उसे हराना नामुमकिन है। हाँ बेटा, मैंने भी उसके बारे में सुना है, बट डोंट वरी बेटा, मुझे हार से इतनी नफरत है कि मैं फूलों का हार भी कभी नहीं पहनता, इसीलिए आज तक जीतता ही आया हूँ। मेरा बेटा भी कभी नहीं हारेगा। मैंने मुन्ना और बबलू को तुम्हारे साथ इसी काम के लिए रेस में शामिल किया है, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट माई सन, देखना तुम ही जीतोगे। थैंक्स डैड। शिवा ऑल द बेस्ट। थैंक्स रेवा। आदि युडी, तुम लोग शिवा के होते फर्स्ट तो नहीं आ सकते, लेकिन लास्ट भी मत आना। ऑल द बेस्ट। थैंक्स रेवा। ब्रिजेश सर, रेस स्टार्ट करिए। मैग्नेट ऑन करता हूँ और सब कीलों को चिपका लेता हूँ। तुम्हारी कीलों का शिवा पे कोई असर नहीं हुआ, कुछ और सोचो। तुम साइकिलिंग पे ध्यान दो, बाकी हम पे छोड़ दो, अभी मंजिल बहुत दूर है।
लोगों को साइकिल रेस जीतने के लिए नहीं बुलाया, शिवा को हराने के लिए बुलाया है। तुम चने खाने में लगे हो? शिवा नजदीक आ रहा है। तुमसे कहा ना साइकिलिंग पे ध्यान दो, बाकी हम पे छोड़ दो। रॉकी के दोस्तों ने जानबूझकर किया है। लड्डू सिंह सर आ रहे हैं, वो इन्हें भगाएंगे। लड्डू सर, इन बंदरों को भगाइए, इन्होंने रास्ता रोक रखा है। मेरे इलाके में बंदर? इनको किसी ने बताया नहीं कि ये लड्डू सिंह का इलाका है? अरे तुम्हारा इलाका है, अब मत मारना। अरे मारा, अरे मारा, अरे कितना मारेगा। एक बार मेरे गांव में बंदरों ने एक टोपी वाले की सब टोपियां छीन ली और पेड़ पे चढ़ गए। मुझे मालूम था कि बंदर नकल करते हैं, बस मैंने आइडिया लगाया और अपनी टोपी फेंक के बंदरों को मारी, तो बंदरों ने भी मेरी नकल करते हुए सब टोपियां फेंक के मुझे मारी और टोपी वाले को सब टोपियां वापस मिल गई। बस करो फेकू चंद, ये एक स्टोरी है और इतनी पुरानी है कि बंदरों ने भी सुनी है। बंदरों की नकल करने पे आइडिया आया, चलो इन्हें नाच नाच के रोड से बाहर निकाल देते हैं। वो देखो वहाँ क्या हो रहा है, अब वो कभी मेरे आसपास भी नहीं आ पाएंगे। शिवा का भरोसा नहीं, जल्दी चलो, रुको मत अब। नहीं नहीं, मुझे देखना है बंदर उसका क्या हाल करते हैं। निकल जाओ साहब। तुम लोग अभी तक शिवा को नहीं रोक पाए, एकदम यूजलेस हो। मुझे हार से इतनी नफरत है कि मैं फूलों का हार भी नहीं पहनता, ये बात याद रखना। अब जाओ यहाँ से। मैं जिंदगी में कभी नहीं हारता। ए,
ये रॉकी की चाल है, उसने ही हमें इस रास्ते पे भेजा है। तुम लोग रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो। आदि यूडी, तुम सब साइड के कच्चे रास्ते से जाओ, ये रास्ता भी वहाँ जाता है। मैं यहाँ से शॉर्टकट लेता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, मेरे बेटे को अब कभी नहीं हरा सकता वो। Yes! शिवा संभल के। संभलो। ये कैसे आ गया?
चीटिंग है। वो देखिए, वो मुन्ना और बबलू दोनों शिवा को गिरा रहे हैं। मैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। लेकिन रॉकी तो कोई फाउल नहीं कर रहा, आप उसे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? मैं रॉकी की बात नहीं कर रहा, मैं उन दोनों लड़कों की बात कर रहा हूँ। उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, फिर कभी वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दोनों चीटिंग करके रॉकी को जिताना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शिवा, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे साथ रास्ते में क्या क्या किया गया, और इसमें रॉकी और दोस्तों के अलावा मंत्री जी का भी हाथ था। उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। तुमने बड़ी बहादुरी से ये रेस जीत के हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। वी आर प्राउड ऑफ यू। मंत्री जी, अब जेल चलो। शिवा की जिंदगी खतरे में डालने के जुर्म में। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरा बेटा हार नहीं सकता। मैं देख लूंगा। यह देख लेगा, चुपचाप चल जेल में। देख लूंगा। मैं हूँ
शिवा मेरे एडवेंचरस एपिसोड देखो जियो सिनेमा पर, वो भी फ्री में।